फ्रेंड्स, मैं हूँ अल्पेश रामानी एंड आज आपके लिए लाया हूँ कैंडलस्टिक का जबरदस्त नॉलेज। जो आप एक ही बार देख के आपको पता चल जाएगा कि कैंडलस्टिक का जो पैटर्न बन रहा हो किस तरह बनती है और कैसे बनती है। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि अल्पेश सर, आपने जो कमेंट मेरे मैसेज लिखा है कि ईजीली आप कैंडलस्टिक का नॉलेज कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं कि कैंडलस्टिक इतनी सारी आती है, 15, 16, 17 बहुत सारी कैंडलस्टिक आती है। तो वही जो जब चार्ट बनता है तब हमको कैंडलस्टिक किस तरह याद रखनी है वो नहीं पता हमको, समझ गए। तो वही कैंडलस्टिक हम किस तरह याद करते हैं वो हमको देखना है। तो मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि कैंडलस्टिक कितनी कितनी सारी आती है और हर कैंडलस्टिक के बेस हम कैसे याद कर सकते हैं कि ये कैंडल स्टिक बनी है तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कि साइडवे जाएगा, कि मतलब जो भी कैंडल बनती है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। पर हमको इतनी सारी कैंडल है तो हमको पता ही नहीं चल सकता। हमको पता है सब कुछ है किस कैंडल क्या बनती है और हमको एग्जैक्टली आइडिया नहीं आता कि कैंडल स्टिक रनिंग में कैसे आइडेंटिफाई कर सके, या हम भूल जाते हैं या फिर से पेपर देखना पड़ता है या फिर हमारे स्क्रीन के सामने बड़ा सा स्टिकी नोट लगाना पड़ता है, कैंडल स्टिक वाई ये कैंडल है तो इसका नाम है यहाँ से ऐसे जाएगा, मतलब काफ़ी सारा वर्क करना पड़ता है। और बाद में इतना काम करने के बाद भी आपको याद नहीं रहता कि मैंने कैंडल स्टिक बनाई है या नहीं बनाई और कैसे बाकी है कोई या मिसिंग हो गया या ऐसी बनी है तो क्या जाएगा ऊपर, वो कुछ पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, तो आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ऐसे टिप्स मैं आपको घर तक पहुंचता रहूँगा और आपको तुरंत ही नई नई टिप्स आपको मिलती रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम आगे चलते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊँगा कितनी सारी कैंडल स्टिक आती है। तो पहले हम गूगल में जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न नेम लिस्ट। तो हम देखते हैं बहुत सारी आती है। हैमर, प्राइजिंग पैटर्न, बुलिश एंगल फिंगर, द मॉर्निंग स्टार, थ्री वाइट शोल्डर, वाइट मोरजोको, थ्री स्टार, बुलिश हॉर्मिंगी, थ्री चर बॉटम, इन्वर्टर हैमर, थ्री आउटसाइड नो नेक पैटर्न, बुलिश काउंटर अटैक। अब बेरिश में भी इतनी सारी आती है, हैंगिंग मैन, डार्क क्लाउड्स कवर, बेरिश एंगल फिंग, द इवनिंग स्टार, द थ्री बैक काउंस, ब्लैक मोरजोको, थ्री इन साइड डाउन, बेरिश हर्मिंगी, शूटिंग स्टार, चिविजिंग ड्रॉप, थ्री आउटसाइड डाउन, बेरिंग काउंटर अटैक, कंटिन्यू कैंडल मीन्स हम जो साइडवे मार्केट होता है वहीं पे डोजी, स्पिनिंग ड्रॉप, फॉलिंग थ्री मेथड, राइजिंग थ्री मेथड, अपसाइंग चोक कैप, डाउन साइड चोक कैप, मेट होल्ड, राइजिंग विंडो, फॉलिंग विंडो, आई वेव, ए पी कैंडल स्ट्राइक, मेड इजी, बहुत सारी है। तो पहले मैं आपको से बता देता हूँ कैंडल स्ट्राइक कैसे बनती है। देखो, पहली वाली हैमर पैनल, पीसिंग पैटर्न, एंगल फिंग, द मॉर्निंग स्टार। देखो ये सब हमको आप जब ये कैंडल बनेगी चार्ट पे तब हमको याद नहीं रहेगी ये पैनल कौन सी है। आपको पता है इसे ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, पर आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता एक कैंडल बन रही है तो कौन सी बनेगी, या बनने के बाद भी नहीं पता चलेगा ये कौन सा हैमर बन रही है, थ्री वाइट शोल्डर बनी है, एग्जैक्ट आपको पता ही नहीं चलेगा। ये आपको पता है तो ये आपको नाम नहीं होगा याद, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है रिसर्च में। तो मैंने काफ़ी लोगों ने मैंने पर्सनली कॉल भी किया है कि अरे सर मुझे बताइए इजी वे किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैंडल स्टिक। तो आज मैं स्पेशली आपके लिए कैंडल स्टिक के लिए ही लाया हूँ कि हम इजीली कैसे आइडेंटिफाई कर सके। तो पहले देख लो ये सब एग्जिस्टिंग है वो देखो, फिर मैं आपको ऑटोमेटिक पता बताऊँगा कि कैसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सके। थ्री इन साइड आई बुलिश आर्मिंग, थ्री नाइन साइड, जो देखो कितनी सारी है, ऑन नेक पैटर्न, बुलिश काउंटर अटैक, डार्क क्लाउड कवर, इवनिंग स्टार, थ्री बैक कवर्स, ब्लैक मोरजोको। हाँ, आप इसमें एक भी वीडियो मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं जो लास्ट स्टेप लाने वाला हूँ ये मिस हो जाएगा आपको
कुछ पता नहीं चलेगा। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी सारी आती है कैंडल स्टिक, अभी तो मैं आप ही बता रहा हूँ, बहुत सारी आती है। आप सर्च करोगे गूगल पे तो बेरीज आरोमिंगी, शूटिंग स्टार, ट्विजिंग ड्रॉप, थ्री आउटसाइड डाउन, देखो ये सब बनेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा बना है। आप ऐसे सोचोगे लाइक नॉर्मल ही है, का एग्जैक्ट पता भी नहीं कोई थ्री आउटसाइड कैंडल पे डाउन बना है ऐसा। ए मो डूइंग मोजी, स्पिनिंग टॉप, फॉलिंग, तो ये बनेगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ये थ्री मेथड कैंडल स्टिक बनी है, फॉलिंग वाली बनी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको पता होगा यार सिंपली ये डाउन ही जा रहा है ऐसा कुछ। देखो डाउन साइड जो सुख गया, मैट होल्ड, राइजिंग विंडो, थ्री फेसिंग, फॉलिंग डाउन, स्टार्ट वेव, ये आपको सब करोगे तो बहुत हार्ड होगा करने के लिए। तो फ्रेंड्स अब मैं बताऊंगा कि ये सब कैंडल आप रनिंग चार्ट में किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये मेरा भी नॉर्मल चार्ट है, मैं चार्ट भी आपको बता देता हूँ। ये IQ7 ये चार्ट दो कोई भी रखो बराबर। मैं अभी नॉर्मल, अभी मैं NMDC के चार्ट पे जाता हूँ 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट ले, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ले ले, चलो। अब आपको जो कैंडल बना है आपको पता है ये कौन सा बना है, कौन सा बना है आपको पता ही नहीं है एग्जैक्टली, तो आपको क्या सिंपली करना है, देखना स्टेप बिल्कुल मिस मत करिए। आपको स्टडी में जाता है जाना है, स्टडी में जाने के बाद कैंडलस्टिक पैटर्न इसमें सिर्फ क्लिक करना है, ओके, और सब कुछ भूल जाना है। अब देखो हरमी कैंडलस्टिक बना, एंगल फ्रेम बनी, थ्री थ्री इंच साइड बनी, थ्री इंच साइड बन के बाद मार्केट डाउन गया, एरो में बनी, एंगल फ्रेम बनी, यहाँ पे देखो। अब ये सब आप देखोगे ना तो मैच होगा यहाँ पे सिंपली। सिंपली एंगल्फिंग बनी है, अप एंड बेरिस। और अब हम दूसरे चार्ट में भी देख लेते हैं, ऐसा नहीं एक ही चार्ट में आता है। देखो यहाँ पे पूरे का जो भी कैंडल बनी है सब यहाँ पे दिखेगा, फिर विथ नेम भी आपको दिखेगा कौन से बनी है कौन से नहीं बनी, ऐसा तो आपको एग्जैक्टली डिसीजन लेने में पता चलेगा। और आपको जो चार्ट का नेम है, कौन सी चार्ट कहाँ पे बनती है, वो सब भूल जाइए। आप सिंपली स्टडी में जाना है और कैंडलस्टिक पैटर्न जो कैंडलस्टिक है उसमें क्लिक कर देना है, और बाकी चार्ट को जो भी चल रहा है उसने अपने हिसाब से चलने दो। और ऐसे ही आपको ना नेम विद प्रेजेंटेशन पूरे के पूरा चार्ट के अंदर दिख जाएगा आपको, आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो ये थ्री आउट साइड बना है, थ्री थ्री आउट साइड बनाया, थ्री इन साइड बना है, मतलब पूरे के पूरे चार्ट के साथ आपको यहाँ पे इजीली आपको पता चलेगा कि कौन सा कैंडल बनी है और कौन सी नेम है, वो भी आपको पता चलेगा। ओके फ्रेंड, आपको जो ये आपको जो डेटा और जो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने वीडियो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स, हैव अ गुड डे।